हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है जख्मी मोबाइल के अस्पताल में। और आज हमारे पास जो मरीज़ है वो MI का मरीज़ है, MI Note 10 Pro Max। आज हम आपको इसका फोल्डर चेंज करना बताएंगे, किस तरीके से आपको इसका फोल्डर चेंज करना है। तो सबसे पहले आप फ़ोन को ओपन करेंगे। ये सभी फ़ोन में कंपलसरी होता है कि फ़ोन को ओपन करके ही कोई भी काम किया जा सकता है। फ़ोन बंद करने पर तो कोई काम होगा नहीं, तो इसलिए फ़ोन को ऑन करना बहुत ज़रूरी, ओपन करना बहुत ज़रूरी, सॉरी दोस्तों, फ़ोन को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप उस फ़ोन में कोई भी रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फ़ोन को ओपन कर लिया है। और उसके बाद में ये हमारा फोल्डर का पत्ता है, डिस्प्ले का पत्ता है, ये हमने इसमें रिमूव कर लिया है। कैसे फिर उसके बाद में दोस्तों, आप इस तरीके से एक टूल का यूज़ करेंगे। जो ये टूल है, ये आप जो डिस्प्ले का जो जितनी बड़ी डिस्प्ले होती है वहाँ पर हल्का सा ये आप इसको इंसर्ट करेंगे, और हल्का हल्का सा इस पे ग्लू लगी होती है वो हल्के हल्के से आप इसको छुटाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, ये हमारा फोल्डर बाहर आने लगा है। ये देखिए चारों साइड पे हल्का हल्का सा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आपको ये फोल्डर जो निकालना है वो इस तरीके से निकालना है ताकि फोल्डर आपका टूटे नहीं। उसकी वजह ये होगी कि ये फोल्डर तो हमारा ख़राब है, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट दोस्तों कभी आपको अगर सही फोल्डर आपको फ़ोन पे से निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको सही सलामत निकाल सकें। इसलिए आपको बहुत सेफली इस तरीके का टूल का यूज़ करना है। और अगर ये टूल आपका सही काम नहीं करता तो मैं आपको आज एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप उसके ज़रिए से फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे पास में एक सुपर एक्स ग्लास का कार्ड है, इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है, तो आप इसके अलावा इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई फोल्डर हमारा चेंज हुआ होता है वो ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा ग्लू लगी हुई होती है, उस पर वो आसानी से नहीं छूटता। तो आप इसके ज़रिए से इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का सा साइडों में से ये कार्ड डालकर इसको यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से निकालना है। इस साइड में आपका ये पत्ता होता है, बस इस पत्ते तक आप बहुत ध्यान रखना। इतने फोल्डर के अंदर क्या होता है, यहाँ तक आप ऊपर में इतना जो फोल्डर है यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। इसमें आप आराम से किसी भी तरीके से आप ये यूज़ इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जो भी आप यूज़ करेंगे इतने हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, इसको आप बड़े ध्यान से यूज़ करना है। पहले आपको ऊपर साइड से फोल्डर को हटाना है, फिर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये फ्लेक्स होती है हमारी, इसका पत्ता होता है, ये ही पूरा मेन होता है। ये हल्का से भी अगर कहीं से कट जाए, कुछ हो जाए, तो ये फोल्डर हमारा बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इसको आप बहुत ध्यान रखना है, इसको कार्ड जो ये कार्ड है इसको आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है। अगर आप अंदर तक डालेंगे तो ये कहीं से भी पत्ता इसका कट जाएगा और फोल्डर आपका ख़राब हो। तो इस तरीके से आप सेफली ये फोल्डर आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको निकाल के दिखाया। उसके बाद में आप दोस्तों क्या करेंगे, ये जहाँ पर फोल्डर लगा हुआ है यहाँ से आप बिल्कुल इसको क्लीन करेंगे, हर चारों तरफ से आप ये फोल्डर को क्लीन करेंगे। फिर इस पर हल्के हल्के ग्लू लगाएंगे, फिर आप नया फोल्डर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं आपको नया फोल्डर इसमें ऐसे ही लगा के दिखाता हूँ, अभी बिना चिपकाए बिना साफ किए, ये देखिए। और आप फोल्डर को चिपकाने से पहले उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपने अगर फोल्डर उसको ऐसे ही लगा दिया और वो मान लीजिए फोल्डर आपका ख़राब हुआ तो क्या होगा दोस्तों, वो आपका नुकसान हो जाएगा, वो फोल्डर फिर रिप्लेस भी नहीं होता है और रिपेयर भी नहीं होता है। तो ये देखिए, ये हमने ये फोल्डर इसके अंदर लगा दिया है, और ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी का पत्ता भी हमने लगा दिया है, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हमारा फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और हमारा MI इस पर आ चुका है। तो फोल्डर को चिपकाने से पहले आप इस तरीके से फोल्डर को पहले यूज चेक करेंगे, फिर उसके बाद में आप इस पर ग्लू लगाकर इसको चिपका कर और कंप्लीट पैक कर देंगे फ़ोन को, तो आपका ये फ़ोन बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।